जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना और उम्मीद भी करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, अपने तैयारी में ईमानदारी पूर्वक व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन का टॉपिक वाइज हार्ड हार्ड क्वेश्चन छाट के करवा रहा हूं, उसमें आज बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट से ज्योमेट्री का ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन खास करके जो 2016 में एग्जाम लिया, 15 वाला NTPC, 2016 में PT लिया था और 17 में मेंस, उसमें भी लगभग सिफ्ट में पूछा गया था, और फिर 2018 ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और टेक्नीशियन में भी और ALP में भी। यदि आप 2700-3200 दोनों का सॉल्यूशन देखें तो लगभग सिफ्ट में ये इस प्रकार का प्रश्न मिल जाएगा। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका PDF, इस प्रकार के सभी टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कॉम्पिटेटिव क्लासेस से प्राप्त कर लें, ताकि वीडियो को देखने के बाद भी कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार बना लें, क्योंकि इसी पर आपका रिजल्ट निर्भर करता। मैक्सिमम विद्यार्थी पिछले दफा छोड़ दिए थे, तो हर वो क्वेश्चन जो आपको परेशान पिछला दफा किया था, इस बार नहीं करेगा। उसका हिसाब मैंने कर दिया, एक एक टाइप के 10-10, 8-8, 9-9 क्वेश्चन मैंने छाटा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, बहुत मजा आएगा और हॉट ट्रिक से बताएंगे, एकदम देखिएगा और क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो देखते हैं आज का क्लास, आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बड़ा ही मजेदार, इंटरेस्टिंग है, देखने में फिगर देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इतना जल्दी बनाया कि आप सोच भी नहीं सकते, समझे मैथ नहीं जादू हो रहा है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे ये फिगर बना हुआ है, मैं भी यहाँ पे बड़ा सा बना देता हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक ऐसा रेखा है जो इस वृत्त को काट रहा है, मतलब जीवा दिया हुआ है AB और यहाँ पे D, यानी आप कह सकते हैं ये जो है वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाला रेखा। तो जब किसी वृत्त में दो रेखा रहे, एक है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करे और एक वृत्त को स्पर्श करे, इसको आप स्पर्श रेखा बोल सकते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया और ये हो गया क्या, स्पर्श रेखा। तो एक रेखा है जो वृत्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और एक रेखा है जो वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और वो है DE। जब ऐसा स्थिति हो कि एक प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब जो वृत्त को काटे कहीं पर से भी, और एक स्पर्श रेखा हो, तो ऐसा स्थिति में स्पर्श रेखा के स्क्वायर बराबर होता है यहां पर, ये पूरा लंबाई AD और गुना ये वाला BD, AD गुना BD, ये वाला फॉर्मूला हाउ ट्रिक आप याद रखिएगा। बाकी ज्योमेट्रिक का बेसिक क्लास, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास दिया हूँ, मैराथन आने वाला है, उसी प्रकार से ज्योमेट्री का बेसिक क्लास जल्द ही मिलेगा और साथ ही बाद में मैराथन, तो वो सारे में ये फॉर्मूला बताऊंगा। ये आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो पढ़े भी होंगे वृत्त में, कि जब किसी वृत्त में एक प्रतिच्छेदी रेखा और स्पर्श रेखा हो, तो स्पर्श रेखा की स्क्वायर बराबर AD। AD मतलब कि A और B, जब वृत्त पर दो बिंदु पर ये रेखा दो बिंदु पर काट रहा है, A और B पर, तो जो यहाँ पर जो दोनों बिंदु जहाँ पर मिलता है, दोनों रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक स्पर्श रेखा, वहाँ से इसकी लंबाई AD गुना BD। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, AB गुना BD कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे कर देते हैं, कभी कभी याद नहीं रहता है। तो DE के स्क्वायर बराबर AB गुना BD, जो कि क्या है, गलत है, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो सीखने में पहला क्वेश्चन में समय लग जाए, लेकिन स्थिर से कॉन्सेप्ट से सीख लीजिए। फिर से, जब किसी वृत्त में एक प्रतिच्छेदी रेखा एक स्पर्श रेखा हो, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर यानी DE के स्क्वायर बार AD गुना BD, मतलब A से ई वाला दूरी, फिर B से ई वाला दूरी, AD गुना BD, AD गुना BD, DE स्क्वायर बार AD गुना BD। अब यहाँ पे कोई भी, मतलब ABCD के जगह पर और कोई भी बिंदु हो सकता है, PQR कुछ भी, लेकिन स्पर्श रेखा की लंबाई के स्क्वायर बार बड़ा वाला लंबाई है, यहाँ से छोटा वाला लंबाई। तो आइए फटाफट पहला क्वेश्चन में कह रहा है, AB ये फिगर दिया, उपयुक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से बिंदु D पर, देखिए स्पर्श रेखा DE से AB को हम बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB 12 है, AB यहाँ से यहाँ वाला कितना है, 12 है, AB 12 सेंटीमीटर है, और DE 8 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला जो है 8 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है BD क्या होगा, तो BD को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो A से D कितना हो जाए, तो बोले सर 12+1 हो जाए। अब एक्स वाई में उलझ के मत रहिए, कितना आसान है ये सोचिए, आपने क्या देखा कि DE के स्क्वायर बराबर होता है AD गुना BD, तो DE कितना है 8, 8 के स्क्वायर बराबर AD, तो A से D की लंबाई, तो बोले सर AB 12 है, BD x है, यानी हो जाएगा 12+x, और फिर BD, तो BD कितना है x है। अब इसको हल करने के चक्कर में आप रहिए ही मत,
कि इसको हल करेंगे और x का मान निकालेंगे, द्विघात में बैठ जाएगा आराम से एकदम। ऐसा मान रखिए जैसे 8 का स्क्वायर 64 आइए 12 प्लस एक्स गुण एक्स, ऑप्शन से मान रख सकते हैं या डायरेक्ट माइंड में भी आ जाएगा। 64 है ना, 16 चौक 64 होता है, यहाँ पर 4 रख दीजिए ना हो जाएगा। देखिए 12 4 16 ई वाला भी 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 चौके 64। इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है यानी एक्स का मान 4 हो गया, यानी बी डी का मान कितना सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर डी। तो सिर्फ सीखने में जो टाइम लगा और तूफानी रूप से बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसको उड़ा देंगे, ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए। इसमें भी एकदम सेम फिगर है और नाम भी वही ए बी डी ई है। इस प्रकार से एक है, इस प्रकार से स्पर्श रेखा है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए और बी पर वृत्त को काट रहा है, ई पर स्पर्श कर रहा है। अब आगे पढ़िए, ऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा ए बी को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी से डी पर मिले, स्पर्श रेखा डी से डी बी डी पर मिले। यदि ए बी 5 है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है और डी कितना है फिर वही 6 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है बी डी की लंबाई तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5 प्लस एक्स। क्लियर है? अब चूंकि हम सभी जान ही रहे हैं कि डी के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोले सर ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी। अरे एक ही प्रकार के 9-10 क्वेश्चन देखेंगे ना तो 2-3-4 क्लास के बच्चा रहता ना वो भी समझेगा। जो गधा लड़का है ना, जो एकदम कभी नहीं पढ़ा है, उसको हम बोलचाल में गधा बोलते हैं, लेकिन आप सभी इंटेलिजेंस जीनियस हैं, चिंता नहीं करिएगा, निश्चित रूप से आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, तो ए डी गुना बी डी, तो डी स्क्वायर कितना है, तो डी स्क्वायर बोले 6 है, 6 के स्क्वायर बराबर ए डी, ए डी कितना है तो 5 प्लस एक्स और गुना बी डी एक्स। अब यहाँ 6 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 36 होता है और ये 5 प्लस एक्स गुना एक्स। अब आराम से एक्स का ऐसा मान रखिए ना कि 36 आ जाए, तो बोलिए सर 5 यहाँ पर 4 रख दीजिए, 5 4 9 9 4 36, यानी संयोग से यहाँ पर भी 4 हो गया, यानी यहाँ पर भी बी डी का मान कितना आ गया 4। अभी मत माइंड में बैठा लीजिए कि हर बार 4 आएगा, ठीक है ना, और हर बार बी डी ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है इस सब में, और आराम से बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, फिर आराम से आंसर ले आएंगे। तो यहाँ भी 4 आया जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से सेम फिगर, नीचे दिए गए वृत्त, इस बार नीचे दे दिया है और इस प्रकार से है, क्या क्या है, ए है, इसको बी दर्शाया, इसको डी दर्शाया, इसको ई दर्शाया। तो बोला नीचे दिए गए जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए डी तक बढ़ाया गया, यदि ए बी 9 है, ये वाला 9 सेंटीमीटर है ए से बी तक, उसके बाद कह रहा है क्या बी डी 3 है, बी डी इस बार दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ ए डी 9 3 12 सेंटीमीटर हो गया, तो पूछ क्या रहा है, तो डी ई की लंबाई। अब इस बार ये पूछ रहा है डी ई, तो हम सभी जानते ही हैं कि डी ई के स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, तो डी ई के स्क्वायर डी तो पूछ ही रहा है बराबर ए डी कितना, तो बोले सर ए डी यहाँ से यहाँ तो 9 3 12 और बी डी, तो बी डी कितना है 3, तो 12 3 36, तो डी डी बराबर हो गया डी के स्क्वायर 36 है, तो डी कितना हो जाएगा, तो बोले सर रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 मतलब 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन लंबाई है तो वो तो धनात्मक ही ना होगा, तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी, मजा आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर बोल रहा है नीचे दिए गए वृत्त में, तो नीचे दिए गए वृत्त में एक कटान बिंदु है, एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यहाँ पर, ये आपका ई बिंदु है, ई डी बिंदु है, ए बिंदु है, बी बिंदु है। अब कहता है क्या कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, यदि ए बी बराबर 24 है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, डी 9 सेंटीमीटर है, तो निश्चित है बी डी ही पूछेगा, बी डी की लंबाई x मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 24 प्लस x हो जाएगा, 24 प्लस x, नो डाउट। अब आराम से चल दीजिए, हम सभी जान ही रहे हैं डी के स्क्वायर बराबर तो ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, तो डी ई डी कितना है, तो बोले सर डी 9 है, तो 9, तो 9 के स्क्वायर बराबर ए डी कितना है, तो ए डी पूरा हो जाएगा, तो 24 प्लस एक्स, और बी डी कितना है, तो एक्स। अब आराम से हम सभी जानते हैं 9 के स्क्वायर 81 बराबर 24 प्लस एक्स इन टू एक्स। अब एक्स का मान रखिए, तो बोले सर क्या रखें कि 81 आ जाए, तो 24 के बाद 27 दिया 81, 24 के बाद 81 लाने के लिए 27 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर एक्स का मान 3 रख देंगे, यानी कन्फर्म हो गया कि बी डी जो पूछ रहा है इसका मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर।
आप चाहे तो हल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 24 एक्स बराबर 81, लेकिन क्या फायदा है? इतना तो एक बच्चा भी सोच लेगा, कॉमन सेंस लगा लेगा कि आराम से कि यहाँ पर क्या रखें कि 81 हो जाए, नहीं तो ऑप्शन से भी क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फिर से वही, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी, चलो वृत्त है जीवा ए बी है, इसको डी तक बढ़ाए हैं, काहे लगी तो स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए, बस यही तो कहानी है, सब में ही दोहरा रहा है, तो बढ़ाए हैं। तो पूछ रहा है और बोल कह रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी डी 2 सेंटीमीटर, इस बार बी डी भी 2 सेंटीमीटर दे ही दिया, तो निश्चित है। अब डी पूछेगा डी की लंबाई, तो डी की लंबाई बट हम सभी जानते हैं कि डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, तो डी स्क्वायर बराबर ए डी कितना, तो 6 × 2 = 8। अब बी डी कितना, तो बी डी 2 ना होगा तो 2, तो 8 × 2 = 16, तो डी के स्क्वायर 16 है, तो इसलिए डी कितना होगा, तो बोले सर आंसर तो माइंड में आ गया ना 4 सेंटीमीटर, यानी इतना बराबर जो हो जाएगा, ये जो ईडी पूछ रहा है इसका मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से एकदम सेम फिगर है, ए है बी है और डी पर डी को मिला रहा है, एकदम बोले ना कि रटा जाएगा, इतना क्वेश्चन हम छाट रखे हैं सभी टाइप बाई टाइप, बस हमारे साथ बने रहिए, और इतना जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, आपको बस इतना ही करना है कि बिल्कुल फैलाना है, अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर करना है, 10, 20, 50 मित्रों को डेली शेयर करिए, चाहे तो वो फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, सबको शेयर करिए और लाइक कमेंट करिए। यहाँ पे देखिए, उपरोक्त वृत्त में ए बी को स्पर्श का डी डी बिंदु पर मिलाने के लिए ए बी की लंबाई यहाँ भी 7 सेंटीमीटर दे दिया, बी डी की लंबाई 9 सेंटीमीटर दे दिया, और पूछ रहा है डी की लंबाई, तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, डी स्क्वायर बराबर आप ही तो बोले ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, तो पूरे माइंड में सेट हो गया होगा एकदम, इसको आपको भी 4-5 बार बना लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ए डी गुना बी डी होता है ध्यान रखना, तो डी तो पूछ ही रहा है, तो डी के स्क्वायर बराबर ए डी कितना होगा, तो बोले सर ए डी तो हो जाएगा 16 ना, देखिए 7 है 9 है, तो 16 गुना बी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी 9, यानी यहाँ से यहाँ तो 16 हो जाएगा, तो 9, तो हम सभी जान रहे हैं कि डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 × 144, और 144 है तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 144 के 12 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो आंसर होगा डी वो होगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से वही कहानी, ए बी डी स्पर्श रेखा डी ई, दिए गए वृत्त में रेखा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी के साथ मिलने से के लिए बढ़ाया गया, ए बी 7 सेंटीमीटर, फिर से 7 सेंटीमीटर, डी डी ई वाला दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है बी डी की लंबाई क्या होगा, तो बी डी ये है तो बी डी को हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 7 + x, तो हम सभी जान रहे हैं कि डी के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोला सर ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, डी कितना है 12 के स्क्वायर बराबर ए डी, ए डी कितना होगा, तो 7 + x अगुना एक्स, तो 12 के स्क्वायर 144 बराबर 7 + x × x, बोलिया कि सर ये वाला तो पिछला क्वेश्चन के उल्टा है, उसमें यहाँ 7 यहाँ 9 दिल था, यहाँ वाला आंसर 12 लाए थे, अब देखिए आराम से देखिए ना, 7 यहाँ पर यदि 9 रख दे तो 7 × 9 = 16, तो यहाँ पर भी 9 रखना पड़ेगा, 16 × 144 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं x का मान 9, यानी यहाँ पर जो हम लोग निकाले वो होगा 9 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, कितना आसान से आ गया क्वेश्चन, कैसे भी पूछे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और 8ों को कम से कम 8-8 बार बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है फिर से वही फिगर है, ए बी और डी, और यहाँ पे चूंकि मैंने 8 क्वेश्चन छाटा, लेकिन लगभग शिफ्ट में पिछला बार पूछा था ये डी, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या ए बी 10 है 10 सेंटीमीटर, हालांकि कभी कभी ए बी भी पूछ सकता है, लेकिन अब तो आप समझ ही चुके होंगे डी 12 है 12 सेंटीमीटर, तो बी डी पूछ रहा है यानी फाट, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 10 + x, तो हम सभी जान रहे हैं कि डी के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो डी के स्क्वायर बराबर होता है बोले सर ए डी गुना बी डी, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए,
आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा जब याद रहेगा। तो 12 के स्क्वायर 144 बराबर एडी कितना है? तो बोलिए सर एडी है हम लोग का 10 प्लस एक्स, अब एडी कितना है एक्स। आप सोचे कि 144 लाना है, ठीक है 144 लाना है तो एक्स को कितना रखें कि 144 आ जाए। तो बोलिए कि सर एक तो 16 नमा 44 होता, लेकिन इसको 16 बनाने के तो 6 रखना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ 9 की जरूरत है, एक्स का सेम है ना, तो हमको लगता 8 रखिएगा ना, तो 10 8 18 अब यहाँ 8 18 8 144 होता है, 18 8 144 होता है ना, तो कन्फर्म है एक्स बराबर 8, यानी एक्स बराबर 8 यानी बी डी का मान कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आराम से पता चल जाएगा, सिंपल वे में, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सिखा पाया हूं तो क्रांति के तरह, आग के तरह इस वीडियो को फैलाइए, वायरल करिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भटक रहे हैं। प्लीज आपके कारण उनका भलाई हो सकता है, उनका रिजल्ट हो सकता है, सबके पास पहुंचाइए, बस यही रिक्वेस्ट है। लाइक कमेंट करिए, और जो भी शिकायत हो, यदि डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका भी कारण जरूर बता दीजिए, क्यों कर रहे हैं, ताकि उस कमी को मैं सुधार पाऊं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।